हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित में शुरू करेंगे हमारा अध्याय दो, जो कि अध्याय दो का नाम है बहुपद। देखिए ना, द्विघात बहुपद रहेगा यह। जब हम बहुपद का जो व्यापक रूप रहता है, पहले बोलिए लेते हैं, हो जाएगा एक से घट दो से, ये जो व्यापक रूप में क्या रहेगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहेगा। ठीक है, अब जो है हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्रश्न वाली 2.2 से। 2.2 में आपका पहला प्रश्न है, क्या रेखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है ना, मतलब को जो बहुपद दे रखे हैं उनके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न हम करते हैं, क्या लिखा है, एक्स की घात 2 - 2x - 8। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो जैसे हमने चार अध्याय में करा था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा करते हैं, तो पहली संख्या 1 है और आखिरी क्या है, 8 है, 1 का गुण 8 में करेंगे तो 8, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये एक्स की घात 2 इस 2 के जगह कोष्टक बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या लिखनी है कि घटाने पर कितना आ जाए 2, और गुणा करने पर कितना आ जाए 8, आ जाएगा 4 - 2। अब कोष्टक खोलेंगे तो 4 का गुणा x में हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x और माइनस 8, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, कितना बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x माइनस 4, अब दोनों में से x माइनस 4 का कॉमन आ गया तो कितना बचा x प्लस 2। ठीक, तो हम यहाँ करेंगे दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस 4 देखा हो जाएगा प्लस का, तथा एक्स प्लस 2 बराबर 0 प्लस का 2 माइनस का, तो जो एक्स का मान आया 4 और माइनस 2, ये क्या आ गया, इस बहुपद के शून्य आ गए, हम लिखेंगे अतः 4 एवं माइनस 2 बहुपद के शून्य के। अब क्या करेंगे, इनके शून्य पद और गुणांक के लिए संबंध की स्थापना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्य प्रकार जो है ये योग करेंगे। देखो, अब शून्य को का योग मतलब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे यहाँ पर शून्य का योग निकालने के लिए। तो देखो, पहला क्या आया था 4, दूसरा कितना है माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस कितना बचा 2। ठीक है, और इसके बटे में कुछ मिनट क्या लगा सकते हैं 1। अब हमें ये देखना है कि 2 हमारे क्वेश्चन में काय का गुणांक है, तो जो 2 गुणांक काय का है x का और आगे क्या चल रहा है माइनस, तो माइनस को हम आगे लगा देंगे, तो माइनस सबसे आगे लगा दिया और एक लिख दिया कि 2 क्या है x का गुणांक है। ठीक, हम नीचे क्या लिखा 1, तो 1 काय का गुणांक है x की घात 2 का, यहाँ पर लिख देंगे x की घात 2 का गुणांक। ठीक, ये इनके जो संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हो गया। अब इसके बाकी क्वेश्चन सर इसी तरह से होंगे, ये आप खुद करेंगे। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिया गया है। मतलब जो पहले नंबर पे दिया शून्यकों का जो है योगफल है, और जो दूसरे पे दिया शून्यकों का गुणनफल है, और हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है, 1/4, -1। तो सबसे पहले दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरे पे दे रखा है वो क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्य का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, शून्य का मतलब दोनों को जोड़ना है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, माना अल्फा का मान हो गया 1/4 तथा बीटा का मान हो गया -1, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो।
अब क्या है हमको दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, एक बटा चार, समझ गए यहाँ पे एक बटा चार और माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा चार, और बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का वर्ग, ये माइनस उधर चल जाएगा, ए और बी का मान आ गया। अब लिखेंगे हम शून्य को गुणन पर, शून्य का गुणन पर मतलब बेटा इसका सूत्र हो जाएगा सी बटा ए। अब शून्य का गुणन पर कितना दे रखा आपको माइनस का वर्ग और ये सी बटा ए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए की जगह ए का मान लेते हैं, ए का मान कितना है चार, फिर तिरक गुणा करेंगे तो चार का गुणा माइनस एक में हो जाएगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा माइनस चार। तो आपके यहाँ पे ए बी और सी तीनों के मान आ गए हैं, ठीक है। अब हम बहुपद निकाल लेते हैं, तो बहुपद क्या होता है, ए ये बहुपद के व्यापक रूप होता है, ए एफ सी घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान कितना है चार, चार एक सी घात दो, फिर बी का मान है माइनस वन सात में एक्स और सी का मान है माइनस चार। तो ये हो गया चार एक से घात दो माइनस एक्स और माइनस चार, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसके जो है बाकी क्वेश्चन सभी इसी तरह से होंगे, ये आप खुद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न भी करेंगे। थैंक यू।